होगा वो डेज में वो रिचुअल ऑयल हमारे एनर्जाइज हो जाएंगे एंड देन यू कैन यूज एंड देन उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो खुद का रिचुअल ऑयल बना के आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं. ओके तो इतने सारे मैं आपको इतना डिटेल में होगा वो चीज कि आप खुद ही बनाएंगे उसको खुद का ब्रांडिंग करके आप ये सेल भी कर सकेंगे. ओके दैट्स गुड. और मुझे एक और चीज जानना था. हाँ जी इतल जी बोलिए. आपने म्यूट कर दिया. इतल जी अनम्यूट कर पा रहे जी. हाँ सुनाई दे रहा है मेरा वॉइस. जी जी हाँ, सुनाई दे रहा है बोलिए. हाँ जी मुझे एक चीज और जानना था कि जैसे अगर किसी की प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी मंत्र इसमें है. हाँ हाँ मंत्र है, बहुत सारे मंत्र है. देखिए डे टू डे लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसके लिए सारे मंत्र है. और अगर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर मंत्र नहीं करते तो उनके बदले में पेरेंट्स मंत्र कर सकते हैं. हाँ तो उसके लिए मैं प्रोसेस बताऊंगी कैसे करना है, उनको वो रिजल्ट देना है तो कैसे करना है उसको, तो वो भी चीज है कर सकते हैं. ओके सुप्रिया गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने पेमेंट जमा किया है. सुप्रिया मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू जी. नोकिया नाम से जो भी है, अब उनका नाम तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अनम्यूट कर सकते हैं वो. हेलो मैम. हेलो जी. मैम मैंने चैट में भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि मेरी शादी जुलाई में हो रही है, तब से ऐसे झगड़े चल रहे हैं और फिर हम तब से अलग रह रहे हैं, तो उसके लिए प्लीज आप कुछ मंत्र बताओ. अच्छा दोनों हस्बैंड वाइफ में मतलब शादी हो गई है. शादी होने वाली है. क्लीम जो मैंने बोला था ना, क्लीम मंत्र का जाप. अच्छा जो आपके रिलेशन को मजबूत करने के लिए क्लीम मंत्र का जाप करिए आप. ओके के एल डबल ई एम क्लीम. ओके 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 थैंक यू. कितनी बार मैम? 108 टाइम एटलीस्ट. ओके वन माला तो एक दिन में करना है. ओके ओके और कितने दिनों के लिए? 21 या 45 अच्छा हो रहा है ना. आपको ज्यादा वहां पे फोकस करना है कि आपका रिलेशन अच्छा हो रहा है ना, उस पे फोकस मत करिए कि हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम है. फोकस जब करोगे कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. फोकस इस पे करिए कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है. राइट लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं. लड़ाई झगड़े सोचना ही नहीं है मैडम. अभी मैडम ने कहा कि अब ये नहीं सोचो कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बस सोचो सब सही हो गया है और जो मैडम ने आपको ब्लेसिंग दी है उसको आप यूज कीजिए. मीनू गर्ग जी राधे राधे स्वागत है आपका. पहले अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे आप, अनम्यूट करिए. मीनू गर्ग जी नहीं हो पा रहे हो आप, अनम्यूट हो गए. हो गए. हेलो नमस्कार. हेलो मीनू जी बोलिए. हाँ जी नमस्कार जी. मैंने ना अपने भाई के रोजगार के लिए पूछना था कि उसके लिए मैं क्या करूँ. इसके लिए भाई के लिए वो 32 एज है और उसके रोजगार के लिए क्या प्रेयर करूं? नहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है उनको? कोई रोजगार नहीं है. रोजगार नहीं है मैडम. रोजगार नहीं है. ओके ओके ओके. रोजगार के लिए आप देखिए आप ना वो वाला मंत्र कीजिए अनादि अंबिका अनादि. हाँ जी. ये कभी भी जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कभी भी जाते हैं बाहर, तो मतलब जो रोजगार पाने के लिए अब वो जॉब के लिए जब वहां पे सीवी देने जाते हैं, रिज्यूम देने के लिए जाते हैं, तो जाते टाइम पे उनको बोलना है कि मंत्र चैंटिंग करते ही जाना है. ठीक है. और ऐसे भी डेली भी वो कर सकते हैं. वो मंत्र मैंने जैसे पहले बताया था, पहले एक बार फिर से बता देती हूँ. अंबिका अनादि निधना अश्वारूढ़ अपराजिता.
अंबिका अनाधि निधना अश्वारूढ़ अपराजिता, ये कोई भी इंटरव्यू के लिए या फिर आप कोई भी चीज में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस पाना चाहते हैं आप किसी भी क्षेत्र में, उसके लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो या कोई भी चीज के लिए, ठीक है? तो आप उनको दीजिए ये वाला मंत्र, उनको बोलिए कि रोज करिए इस एक माला करने के लिए बोलिए। मनीषा शेखावत जी का भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा क्लास के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका क्लास में आने के लिए। मनीषा जी मुस्कुरा भी रही है। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका पेमेंट रिसीव हो गया मैडम, थैंक यू। राधे राधे, राधे थैंक यू वेरी मच। शारदा तालिब जी से बात करते हैं। शारदा जी राधे राधे जी। एक और चीज मैं बता देती हूँ, इस कोर्स की से बात कर लो मैडम, फिर बता देना। हाँ जी हाँ जी जी शारदा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा घर सेल आउट हो चुका है, मुझे दूसरा घर नहीं मिल पा रहा, 2 महीने हो गए। अच्छा, जिसके भी लेने जाते हैं वो उसके पेमेंट वो रेट अगले दिन हाई हो जाते हैं, क्या करें मैम? गणपति जी को याद कीजिए, ओम गण गणपते नमः, ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे, है ना? सिंपल सा मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, ये वाला मंत्र है गणपति जी का, ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव करते हैं। तो जितने भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं उनके लिए उनको प्रे करिए, और ये मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है विद इंटेंशन कि मेरी ये प्रॉब्लम है, गणपति जी को उनको बताइए, भोग चढ़ाइए, और ये वाला मंत्र आप करिए, ठीक है? मैडम किस टाइम करना है? आप उसको मॉर्निंग में कीजिए, मॉर्निंग में एक, हाँ मॉर्निंग में एक 108 टाइम इसको करना है। मैडम हर जगह मनी के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मनी इशू पे ही आ जाती हैं प्रॉब्लम्स। हाँ तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं, ओके? तो करिए, थैंक यू। और एक श्रीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप मनी के लिए, श्रीम श्रीम श्रीम, हाँ। ये भी मैडम गणपति नमः के साथ ही करें चैंटिंग? नहीं, उनका पहले कीजिए, गणेश जी का पहले कीजिए, बिकॉज हम गणेश जी को पहले याद करते हैं, उनका मंत्र होने के बाद फिर हम ये श्रीम वाला मंत्र आप कर सकते हैं, ठीक है? ये भी कितनी बार मैम? एक माला रोज, डेली एक एक माला कीजिए सवेरे, और अगर कमल गट्टे की माला पे कर सकते हैं श्रीम मंत्र का जाप तो बहुत अच्छा होगा, ओके? ओके, कमल गट्टे की माला मिल जाती है उसपे श्रीम का जाप करना है, ओके? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ मैडम आप कुछ कह रहे थे, बताइए। हाँ मैं एक बात कर रही थी कि इसमें ना एक मैंने ऐसा वेदों का मंत्र रखा है जो कि आपका कोई भी मतलब किसी भी पर्सन में अगर कोई हेल्थ इश्यूज है उसको वो रिमूव करेगा, और वो वाला मंत्र बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, और ये सिंपल एक मंत्र अगर आप किसी भी पर्सन के लिए चांट करते हैं तो उसका हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे मतलब आपको विद इन 5 मिनट इसका असर समझ में आएगा। इसको कैसे करना है चांट, कैसा मंत्र होगा, बिकॉज उसका उच्चारण बहुत प्रॉपर होना चाहिए, तो मैं आपको वो वाला मंत्र इस कोर्स में जरूर सिखाऊंगी, बिकॉज अनिल जी के लिए मैंने वो सोचा है, मैंने उनको लिए मैं वो करूंगी। अनिल जी मुझे सिर्फ आपकी ना एक फोटो भेज देना ताकि मैं उस पर कर पाऊँ वो हीलिंग आपको दे पाऊँ, ओके? तो आपकी एक पासपोर्ट साइज मुझे फोटो दे दीजिए। अनिल जी की तो मैडम बहुत सारी फोटो है अपने पास, हाँ, अपने पास है ना, मुझे आप एक बार सर्टिफिकेशन के लिए आती है ना उनकी फोटो है, हाँ, तो मैं इसीलिए मैं मुझे एक लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज मतलब किसी को नहीं आने चाहिए लाइफ में, है ना? अगर